50 दिनों तक चला लुका छिपी का खेल। पुलिस को मिला बस एक क्लू, मिट्टी में मिल गया असद। 24 फरवरी का वो दिन प्रयागराज उस वक्त का गवाह बना जिसने ये साबित किया था कि यूपी में अपराधियों का खौफ अभी भी जिंदा है। ये वही दिन था जब उमेश पाल की जान ले ली गई थी। उमेश पाल को सरेआम मार दिया गया था, लेकिन इस केस ने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सरकार तक को हिला कर रख दिया था। फिर क्या था, इस केस से जुड़े लोगों पर सरकार, पुलिस और प्रशासन ने जब नकेल कसना शुरू किया, उमेश पाल पर हमला करने वाला मेन हमलावर और अतीक अहमद का बेटा फरार हो गया। जब उसकी तलाश तेज कर दी गई तब वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। हालांकि पुलिस ने उस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन जब UPSTF को एक क्लू मिला तब उसे ढूंढ भी लिया गया और उसका इनकाउंटर भी कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं उसने कहां कहां अपने ठिकाने बदले थे। पूरे 50 दिनों तक पुलिस से लुका छिपी का खेल उसने किस तरीके से खेला था। इधर शहर शहर पुलिस असद की खाक छान रही थी, उधर असद अहमद लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को वो फरार हुआ था और 13 अप्रैल को एनकाउंटर होने तक उसने अपने कई ठिकाने बदले थे, जिसमें उसका पहला ठिकाना प्रयागराज ही था। उसके बाद 26 फरवरी को बाइक के जरिए वो कानपुर पहुंचा। जब कानपुर में पुलिस की दबिश बढ़ी तो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद उसने अपना ठिकाना मेरठ बनाया। लेकिन जब उसके फूफा यानी अतीक के बहनोई को पुलिस उठाकर ले गई तब उसने मेरठ से भी अपना ठिकाना बदल दिया। फिर 28 फरवरी को असद ने अपना नया ठिकाना देश की राजधानी दिल्ली बनाया। बताया जा रहा है कि दिल्ली में असद 15 दिनों तक रुका था। यहाँ वो जामिया नगर और संगम विहार में छिपा बैठा था। 15 मार्च को वो दिल्ली से अजमेर के लिए निकल गया था, जहाँ से वो मुंबई और नासिक भी गया था, जिसके बाद एक बार फिर वो कानपुर लौटा। अंत में वो झांसी पहुंचा। बताया जा रहा है कि पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे असद ने कभी भी ट्रेन की यात्रा नहीं की। अपनी फरारी के दौरान उसने तकरीबन 4000 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPSTF को दिल्ली वाले ठिकाने से ही असद अहमद के झांसी वाले ठिकाने का क्लू मिला था, जिसके बाद UPSTF ने झांसी में ही असद अहमद को खोज निकाला। फिर जो आगे हुआ उसने माफियाओं के दिल में डर और उमेश पाल के परिवार के दिल में सुकून पैदा करने वाला था। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।